मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम करना क्या चाह रही हो। होश के नाखून लो आयजा, होश करो, होश करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों दे रही थी अब्बू को सफाइयाँ? क्योंकि तुम पागल, जो बेवकूफी कर रही हो वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों, क्यों नहीं होने दोगी? ये मेरी जिंदगी है और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मुझे अपने फैसले के ऊपर कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। खुश? खुश होने वालों की शक्लें ऐसी होती हैं? ऐसी नहीं होती, और ना ही उन्हें चीख चीख के सबको बताना पड़ता कि देखो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। उनके चेहरे उनकी कहानी सुना देते हैं, और तुम्हारा चेहरा मैडम कोई और ही दास्तान सुना रहा है। देखो ऐसा, मेरी बात गौर से सुनो। सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं तो सिर्फ पछतावे मुकद्दर होते हैं। जिंदगी इतनी अर्जा नहीं है कि उसे यूं जज्बाती फैसले करके बेमोल कर दिया जाए। तुम्हारा ये गुस्सा, ये जज्बातीपन, ये चंद दिन का है, वक्ती है। क्या तुम इसकी वजह से अपने लिए सारी जिंदगी का गम पाल लोगी? तुम अभी भी नहीं समझ रही मेरी बात। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम करना क्या चाह रही हो। होश के नाखून लो आयजा, होश करो, होश करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया और जज्बाती मैं नहीं, जज्बाती तुम हो रही हो। मेरी वजह से बदनामी के छींटे जो अब्बू के दामन पे पड़े उनको धोने का यही एक तरीका है कि मैं शादी करके जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। लेकिन आयजा, बस अब तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी। पहले ही बहुत दुख दे चुकी हूँ मैं तुम्हें और अब्बू को, और नहीं देना चाहती। मैंने फैसला कर लिया, इस घर से चले जाना ही बेहतर है मेरे लिए। तुम अब्बू से बात नहीं करोगी, अब अब्बू से बात मैं करूंगी।